स्वागत है हमारे YouTube चैनल, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन पर। मेरा नाम है विजय कुमार और आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये टॉपिक रिलेटेड है हमारे दो टॉपिक्स जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं और समझते हैं क्या होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज के इस हमारे टॉपिक के जो की पॉइंट्स हैं वो है कि व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, किस चीज को कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज कितने प्रकार की होती है, रूल्स टू चेंज इन डिग्रीज, डिग्रीज में जो चेंज करने के रूल्स क्या क्या है एक डिग्री से दूसरी डिग्री में परिवर्तन करने के, और उसके बाद हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे और कुछ हम एक्सेप्शंस का स्टडी करेंगे। तो आइए बेसिक्स हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अब तक एडजेक्टिव्स एंड डिग्री एडवर्ब्स के बारे में सुना होगा। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अब ये जो एडजेक्टिव्स और जो ये एडवर्ब्स हैं, इन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के कुछ लेवल्स होते हैं। ये जो तुलना के जो लेवल्स होते हैं उनको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। I am tall, इसका मतलब होता है मैं लंबा। Tall word एक adjective है। Tall word एक adjective है। अब इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने बस इतना बताया है I am tall, मैं लंबा हूं, केवल यही सेंटेंस मैंने लिखा है। इसमें मैंने किसी के साथ कुछ भी कंपैरिजन नहीं किया है। इस सेंटेंस के बजाय अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, आई एम टॉलर देन मोहित, कि मैं मोहित से ज्यादा लंबा हूं, तो यहां अगर आप देखोगे तो दो पर्सनालिटीज, दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। एक है आई, मतलब मैं, एक मोहित। तो इन दो के बीच में कंपैरिजन किया, लंबाई का इनका कंपैरिजन है। लंबाई के लिए जो एडजेक्टिव काम आता है वो टॉल है, और यहां पर मैंने उस एडजेक्टिव का कंपैरिजन वाला रूप लिया है। दो के बीच में तुलना के लिए मैंने टॉल की जगह टॉलर वर्ड यूज किया है। है तो ये भी एडजेक्टिव। टॉल भी एडजेक्टिव है, टॉलर भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों के रूप में फर्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं था, इसमें दो जनों के बीच में कंपैरिजन है। थर्ड सेंटेंस और लिखता हूं। अब ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, आई एम द टॉलेस्ट अमंग ऑल ऑफ माई क्लासमेट्स, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर मैंने फिर से तुलना की है और अपने आप को सबसे ज्यादा लंबा बताया है मेरे सारे क्लासमेट्स के बीच में। अब इसमें क्या है कि क्लासमेट्स को हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मोर देन टू है, दो से ज्यादा है। तो अब की बार जो मैंने एडजेक्टिव का जो एक अलग रूप लिया है वो है टॉलेस्ट,
तो यहाँ पर टॉल के तीन रूप हो गए, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ये जो तीन रूप है ये ही हमें सीखना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंदर। फर्स्ट में मैंने किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं किया, सेकंड में मैंने दो के बीच में कंपैरिजन किया है, और थर्ड में मैंने दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन किया है। तो ये जो फर्स्ट है, ये एडजेक्टिव का जो फर्स्ट फॉर्म है ये कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सेकंड देखो, आई एम टॉलर देन मोहित, दो के बीच में जब कंपैरिजन हो तो ये हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो के बीच में कंपेयर किया जा रहा हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, और जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में सुपेरियरिटी यूज की जा रही हो, हमें शो किया जा रहा हो, सर्वोच्चता बताई जा रही हो कि मैं उन सबसे टॉलेस्ट हूं, एक तरह की ये भी कंपैरिजन है लेकिन विद सुपेरियरिटी। तो ये जो वर्ड है ये आता है सुपरलेटिव डिग्री, और यही तीन तरह की डिग्रीज होती है, यही होती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसको एब्सोल्यूट डिग्री भी कहा जाता है, इसको एब्सोल्यूट डिग्री भी कहा जाता है, पॉजिटिव डिग्री का ही दूसरा नाम है। तो ये तीन प्रकार की जो डिग्रीज होती है उनके अपने को स्टडी करनी है। पहला पॉइंट, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के जो अलग अलग रूप होते हैं जो अलग अलग कंपैरिजन के लिए काम में लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, उनको कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिग्रीज में आ गई तीन प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है एंड सुपरलेटिव डिग्री है। अब बात करते हैं रूल्स टू चेंज इन डिग्रीज, डिग्रीज को परिवर्तन करना हो, अगर मुझे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाना हो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाना हो, तो मुझे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये हम हमारे तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल्स टू चेंज इन डिग्रीज, डिग्रीज में चेंज करने के क्या क्या रूल है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इन रूल्स को आपको समझा देता हूं। कुछ विशेष चीजें जो अपने को बताएगी कि वहां पे जो एडजेक्टिव की फॉर्म है वो पॉजिटिव में है या कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों हो सकती है, एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती है, पर मेन अपन जब डिग्रीज की बात करते हैं तो एडजेक्टिव की करते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री में तो क्या है कि सिंपल वर्ड आएगा, बेस वर्ड आएगा, रूट वर्ड आएगा, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में भी जरूरी यह है कि अपने एडजेक्टिव क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां मैं एडजेक्टिव जिनकी बात कर रहा हूं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव टाइप के एडजेक्टिव में बेसिकली वो वर्ड्स आते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना हो तो कुछ चीजें बहुत आसान है जो समझने लायक है। एक तो ये कि कंपैरेटिव डिग्री में एक तो मोर वर्ड मिलता है, या तो एडजेक्टिव जो है उसके पहले मोर मिल जाएगा आपको, दूसरा ये हो सकता है कि एडजेक्टिव के बाद में आर ई आर
या IER मिले, ठीक है। इन दोनों के साथ में प्लस में आपको देन मिलेगा, ये क्लियर रहना चाहिए। मोर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, या एडजेक्टिव के साथ में आर ई आर या आई ई आर होगा, और उसके दोनों की दोनों ही स्थिति में बाद में देन जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में आपको एडजेक्टिव के पहले मोस्ट मिलेगा, या फिर ST, EST या IEST ये जुड़े हुए मिलेंगे, और इन दोनों ही स्थिति में इनमें तो क्या था कि मोर और एडजेक्टिव एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ में आर ई आर या आई ई आर उसके बाद में देन आएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में इनके पहले टीएचई का प्रयोग होगा। टीएचई ये जो वर्ड है जो कि असल में एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के दो प्रोनंसिएशन होते हैं, कई लोग इसका गलत प्रोनंसिएशन भी करते हैं। ये टीएचई इसके दो प्रोनंसिएशन होते हैं, एक वीक प्रोनंसिएशन, एक स्ट्रॉन्ग प्रोनंसिएशन। वीक प्रोनंसिएशन में इसको द बोला जाता है और स्ट्रॉन्ग प्रोनंसिएशन में इसको दी बोला जाता है, और यही आर्टिकल टीएचई इसका प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले होगा। यह सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है, हमेशा उसके पहले आपको टी एच ई दी जरूर मिलेगा पहले। तो ये अपने को बताता है, अपने से पहचान होता है कि वो जो एडजेक्टिव है उसकी क्या डिग्री है, क्या लेवल है। जैसे समझते हैं, प्रेटी मतलब सुंदर, अब सुंदर तो ये तो आ गया पॉजिटिव, इस वर्ड की अभी डिग्री तो क्या है, पॉजिटिव है। अनिशा इज प्रेटी, इसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी एक क्वालिटी बताई जा रही है। अनिशा नाम की नाउन है, उसके लिए ये मॉडिफायर एडजेक्टिव है, और कौन सी फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। अगर मुझे अनिशा की तुलना किसी और लड़की के साथ करनी हो अनिशा इज प्रेटियर देन सीमा, ये जो वर्ड है प्रेटियर देन, ये आपको अनिशा और सीमा इन दो के बीच में कंपैरिजन शो करता है, कंपैरिजन बताता है, तुलना बताता है कि कौन ज्यादा सुंदर है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो प्रेटी जो वर्ड था उसको प्रेटियर में बदल दिया गया है और उसके साथ में एक्स्ट्रा में जोड़ दिया है देन, और यही मैंने बताया था कि कंपेरेटिव में या तो आपको मोर प्लस एडजेक्टिव मिलेगा या एडवर्ब मिलेगी। मोर वाला तो ये केस है नहीं, तो दूसरे केस की तरफ चलते हैं, इसमें एडजेक्टिव के बाद में आर ई आर या आई ई आर, ये प्रेटी था, इसके आगे आई ई आर लगा दिया, ये बन गया प्रेटियर, और ये प्रेटियर बन गया तो इसके साथ में मोर के आ गया देन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां
एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, कौन सा फॉर्म है, इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, वो है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि अनिशा इज द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द कॉलेज, अब इस सेंटेंस के अंदर देखो प्रेटी वर्ड था, उसके आगे मैंने आईईएसटी जोड़ दिया है, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म बन गया। ठीक है, और इस सुपरलेटिव फॉर्म के पहले टी एच ई डी का प्रयोग मैंने किया है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो फॉर्म्स हैं, जो डिग्रीज है, उनको पहचानने का ये तरीका है। 95% केसेस में तो ये दो ही फॉर्मूले लागू होते हैं। बचे 5% में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रूप में ही काम में लिए जाते हैं, उनकी कभी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होती। कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जिनकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग शब्द बनेंगे, तो वो भी अपन देख लेते हैं। फिलहाल जो ये रूल्स टू चेंज इन डिग्रीज है, कि डिग्रीज में परिवर्तन का क्या रूल है, उसमें मेन रूल तो यही है कि पॉजिटिव से अगर कंपेरेटिव में जाना है अगर आपको, तो जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले या तो मोर लगेगा। अब ये क्या है कि कुछ केसों में फिक्स है जिनमें मोर लगना है, और बाकी में वो आईईआर ईआर वगैरह वाली चीजें लागू हो जाती है। अब जैसे डबल सिलेबल का वर्ड है ब्यूटीफुल, इसमें दो सिलेबल चल रहे हैं, इसकी जो साउंड्स है वो दो भागों में डिवाइड हो रखी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसको मिक्स में यूज नहीं किया जा सकता। प्रेटी एक सिलेबल का वर्ड है, ये सिंगल सिलेबल का वर्ड था, ब्यूटीफुल ये डबल सिलेबल का वर्ड है, और जहां डबल सिलेबल का वर्ड आए तो वहां पर आपको मोर का प्रयोग करना है कंपेरेटिव बनाने के लिए, और मोस्ट का प्रयोग करना है सुपरलेटिव बनाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या है, तो अपने को बताना है मोर ब्यूटीफुल, और पूछ ले अगर सुपरलेटिव क्या है तो अपने को बताना है मोस्ट ब्यूटीफुल, और मोस्ट के पहले टी एच ई डी जरूर आएगा, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हैंडसम वर्ड है, अगर आपको अभी इसका ये जो ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, और अगर इसको कंपैरेटिव रूप में बनाए तो फिर कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा मोर हैंडसम, और अगर इसका सुपरलेटिव रूप का में लेना हो तो ये हो जाएगा मोस्ट हैंडसम, लेकिन हैंडसमर या हैंडसमेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी डबल सिलेबल का वर्ड है। और याद रखिएगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की ही होती है, ये नाउन की नहीं हो सकती, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ जाता है अपने को पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के मेन जो बातें हैं। एक अपने दिमाग में ये भी पॉइंट आता है कि कब अपने को आर लगाना है, कब ईआर लगाना है, कब आईईआर लगाना है, तो ये कोई हार्ड बात नहीं, ये बहुत आसान है। अगर एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म है अगर उसके लास्ट में ई है, अगर उसके लास्ट में ई है तो कंपेरेटिव बनाने के लिए तो आर जोड़ना है, सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी जोड़ना है।
जैसे वर्ड आ गया फाइन, ये पॉजिटिव है। अगर इसका कंपेरेटिव बनाना हो तो साथ में अपने को क्या जोड़ देना है, आर जोड़ देना है, ये बन जाएगा फाइनल। और अगर इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो ये हो जाएगा फाइनेस्ट। तो ये तो समझ में आती है कि आर कब जुड़ेगा, एसटी कब जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि लास्ट में आ गया अपने वाई, अब ये जो वाई है इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए अपने को क्या करना है, इसको हटा देंगे, इसका जो कंपेरेटिव जो बनाएंगे तो इस वाई को हटा देंगे और लास्ट में आई ई आर जोड़ देंगे, ऐसे ही आई ई एस टी जोड़ देंगे सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं हो, ना तो ये ई वाला फंडा हो ना ये वाई वाला फंडा हो, तो उसमें ई आर जुड़ जाएगा और ई एस टी जुड़ जाएगा। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, रूल्स टू चेंज इन डिग्रीज, ये चेंज करने के, डिग्रीज को चेंज करने के रूल से बहुत आसान है। कंपेरेटिव जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें एक चीज नोट करने लायक है, देन। कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस देन के बाद में सपोज करो जिससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, इस देन के बाद में जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो कोई प्रोनाउन हो, तो उस प्रोनाउन का कौन सा रूप आएगा, मतलब एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी या ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, समझते हैं कैसे। भाई लिखा तो मैंने सेम ही है, सेंटेंस तो मैंने दोनों सेम ही लिखे हैं, मैं यहां इतना सा डिफरेंस पैदा कर देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है। आप चाहो तो इसका रिवर्स कर सकते हो, ऊपर वाले को सब्जेक्ट मान सकते हो, नीचे वाले को ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये चीज है कि मैंने मोर देन का प्रयोग तो कर लिया, इसका मतलब है इसमें कंपेरिजन तो हो रहा है। I like, मैं पसंद करता हूं अक्षय अक्षय को मोर देन यू, और दूसरे में भी यही बात है, आई लाइक अक्षय मोर देन यू, इसमें दो बातें हो रही है। अगर ये यू ऑब्जेक्ट वाला माने अपन, अगर इस यू को ऑब्जेक्ट वाला माने, तब ये देन एक प्रीपोजिशन का काम करेगा। देखो ये एक बहुत सीरियस इश्यू है, इसके ऊपर कई सालों तक बहस चलती रही है, आज तक इसका कोई कंप्लीट कंक्लूजन नहीं निकला है कि इसको क्या माना जाए। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं, ये मानना है अंग्रेजी के विद्वानों का कि आई लाइक अक्षय मोर देन यू, इसमें अगर देन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो देन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और अगर देन के बाद में ऑब्जेक्टिव होने के बजाय सब्जेक्टिव फॉर्म हो तो देन एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन होते हैं ऐसे वर्ड जो दो अलग अलग सेंटेंसेस और आइडियाज को जोड़ते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, कंजॉइन करने का काम करते हैं। प्रीपोजिशन क्या का क्या काम होता है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। तो
ये तो बात हुई ग्रामेटिकल, लेकिन अपन अगर इन दो सेंटेंस में देखें, इनका मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, अगर मैंने यहां ऑब्जेक्ट यूज किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं दो व्यक्ति है जिनको पसंद करता हूं, एक तो अक्षय और एक तुम्हें, लेकिन इन दोनों में मैं अक्षय को ज्यादा पसंद करता हूं। ये ऊपर वाला सेंटेंस कहता है कि मैं अक्षय को तुमसे ज्यादा पसंद करता हूं, पसंद तो मैं तुम्हें भी करता हूं लेकिन तुमसे ज्यादा पसंद करता हूं अक्षय को। इसका मतलब हुआ कि इस लाइक वर्ब का एक सब्जेक्ट है, इस लाइक वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन इस लाइक वर्ड, ये जो लाइक वर्ब है, इसका इंपैक्ट जो ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट दो है, एक तो अक्षय है और एक यू है। और ऐसी स्थिति में यहां पे ये जो देन वर्ड आया है जो कंपैरिजन करता है वो एक प्रीपोजिशन है। दूसरी तरफ इस सेंटेंस में चले, आई लाइक अक्षय मोर देन यू, इस सेंटेंस के अंदर यू इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, और इसी सेंटेंस में आई भी एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो है आपकी बात, लेकिन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, वो है अक्षय। इसका मतलब ये जो लाइक नाम की वर्ब है ये वर्ब इस सब्जेक्ट पे भी लागू हो रही है और इस सब्जेक्ट पे भी लागू हो रही है। तो उससे क्या पता चलता है, अगर इसी सेंटेंस का अगर अपन हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो अपने को पता चलेगा आई लाइक अक्षय, मैं अक्षय को पसंद करता हूं, मोर देन यू, अक्षय को तो तुम भी पसंद करते हो, अक्षय को मैं भी पसंद करता हूं, अक्षय को तुम भी पसंद करते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा अक्षय को मैं पसंद करता हूं। तो अब की बार लाइक जो वर्ब है उसके अगेंस्ट में जो कंपैरिजन चल रहा है वह दो लोग जो इस वर्ब को कर रहे हैं उनके बीच में कंपैरिजन है, और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, जो वर्ब है उसका इंपैक्ट जिन दो लोगों के बीच में था, जिन दो लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट था, उस इंपैक्ट जिन दो लोगों पे पड़ रहा था उनके बीच में कंपैरिजन था। ऊपर वाला सेंटेंस कहता है आई लाइक अक्षय मोर देन यू, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूं, मैं अक्षय को भी पसंद करता हूं लेकिन अक्षय को ज्यादा पसंद करता हूं, ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन और यहां पे सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, ये जो देन है इसके बारे में, कि भाई अगर देन के बाद में ऑब्जेक्ट है तो देन इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, और अगर देन के बाद में सब्जेक्ट है देन दिस देन इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। अगर इसको थोड़ा सा समझना हो, इनके बीच में अंतर पैदा करना हो, तो आप इसके साथ में डू लगा दो, अगर प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो डज लगा दो, उससे आइडिया हो जाएगा कि भाई ये सब्जेक्ट है तभी तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है, अगर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है मतलब ये सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है इसका मतलब सेंटेंस में एक वर्ब के अगेंस्ट में दो सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस देन से रिगार्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कुछ स्पेशल पॉइंट्स की और कुछ एक्सेप्शंस की। स्पेशल पॉइंट्स का कहने का मतलब हुआ कि डिग्रीज के बारे में कौन कौन सी बातें खास है जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए इन ऊपर वाली चीजों के अलावा, और एक्सेप्शंस में आएंगे कि ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स लागू नहीं होते। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स और कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने पहले ही लिख दिए हैं बोर्ड पर, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं। देखो इन वर्ड्स को अगर ध्यान से देखोगे, ये याद करने लायक चीजें हैं, इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे वर्ड आपको कंपेरेटिव डिग्री जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया है कि कंपेरेटिव डिग्री में अक्सर आर ER या IER एंड में पाया जाता है, लग तो ये किसके जैसे रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री के जैसे। लेकिन RER IER कंपेरेटिव डिग्री
के वर्ड तब बनते हैं जब ये किसी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के पीछे जुड़े जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर इसका मैं आर हटा दूं या ओ हटा दूं, जो भी हटा दूं, तो इससे कोई दूसरा वर्ड भी तो नहीं बन रहा ना। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव में उस हिसाब से तो नहीं आए, अपने रूल के हिसाब से तो नहीं है। अपना रूल कहता है कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव में आर ई आर या आई ई आर जोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन उस रूल के हिसाब से तो ये आए नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ये वर्ड्स हैवी कंपेरेटिव डिग्री के। भाई मैं किसी का सीनियर हूं, मैं किसी से सीनियर हूं, तो वहां पे कंपेरिजन तो है, सीनियरिटी का कंपेरिजन तो है उसमें, तो वर्ड्स कंपेरेटिव डिग्री के वर्ड्स भी हैं, लेकिन उस रूल के हिसाब से तो नहीं बन रहे। पॉइंट ये आता है कि इसके बाद में देन का प्रयोग करें या टू का प्रयोग करें। तो याद रखिएगा, ये फिक्स वर्ड्स हैं ऐसे कुछ जिनके बाद में देन नहीं आता, इनके बाद में आता है टू। जैसे ही इज सीनियर टू मी, सीनियर देन मी नहीं होता, ही इज सीनियर टू मी, सीनियर देन मी नहीं होता। ये बात समझ में आनी चाहिए। सीनियर जूनियर तो समझते हो, सुपीरियर ये भी करीब ऐसा ही वर्ड है, प्रायर पीछे का, पिछला पहला, इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है सस्ता, निकृष्ट, और ज्यादा सस्ता और ज्यादा घटिया क्वालिटी का, वो इंफीरियर में आता है। तो इन पांच छह वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, इनके बाद में देन नहीं आता, इनके बाद में क्या आता है, टू आता है। ठीक है, नीचे कुछ और वर्ड लिखे हैं मैंने, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर। ये वर्ड दिखने में भले ही कंपेरेटिव डिग्री के लोगों, लेकिन ये वर्ड कंपेरेटिव डिग्री के है ही नहीं, असल में इनकी डिग्री ऑफ कंपेरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ, इनका कोई कंपेरेटिव या सुपरलेटिव रूप ही नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। इनके साथ कोई देन कोई टू लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही अगर देन और टू वैसे भी नहीं लग रहे तो इनके पहले मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनती ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही काम में आते हैं। ठीक है, तीसरा आता है, अगर किसी वाक्य में कंपेरेटिवली और या पॉजिटिवली अगर कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस है जिसमें कंपेरेटिवली या पॉजिटिवली ये वर्ड आ रखे हैं, तो उनके आगे अपने को कंपेरेटिव डिग्री के वर्ड का प्रयोग करना है या पॉजिटिव डिग्री के वर्ड का प्रयोग करना है। तो इसमें याद रखिएगा, नाम चाहे कुछ भी हो कंफ्यूज करने को, कंपेरेटिवली पॉजिटिवली, ऐसा नहीं कि कंपेरेटिवली नाम आ रखा है तो अपन कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, पॉजिटिवली नाम आ रखा है तो पॉजिटिव डिग्री की बात करें, नहीं, इनके बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, ये अपने को याद रखना है। नंबर चार जो है स्पेशल पॉइंट, एनएफ के बाद में डिग्री का कौन सा रूप काम मिले, कौन सी डिग्री काम मिले, कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड काम मिले या पॉजिटिव डिग्री का काम मिले। तो ध्यान से देखना कि कंपेरेटिवली और पॉजिटिवली के बाद में जिस तरीके से पॉजिटिव डिग्री आएगी, वैसे ही एनएफ के बाद में भी पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, ये फिक्स है। एग्जांपल्स देखते हैं अपन, दिस क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली इजी, दिस क्वेश्चन इज कंपेरेटिवली इजी। तो मैंने यहां पे कंपेरेटिवली के बाद में इजियर काम में नहीं लिया, ना ही मैंने यहां पे इजीएस्ट काम में लिया है। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली जो वर्ड है उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी एनएफ,
आई एम एनफ स्ट्रॉन्ग टू बियर दिस ट्रेजेडी, मैं इस ट्रेजेडी को सहन करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग हूं। यहां पर मैंने एनफ के बाद में स्ट्रॉन्ग वर्ड काम में लिया है, जो कि कौन सी डिग्री में आता है, पॉजिटिव डिग्री में आता है। अगर कंपेरेटिव डिग्री यूज करता तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिखता, अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज करता तो मैं इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लिखता, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग काम में लिया क्योंकि एनएफ के बाद में पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। तो यहां तक ये चार वर्ड कंप्लीट हो गए। भाई सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इनफीरियर, इनके बाद में टू आता है। ये कंपेरेटिव डिग्री के ही वर्ड है, इनके बाद में टू आता है, लेकिन इनमें ये याद रखिएगा इनके पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर एक चीज, ये वर्ड कंपेरेटिव डिग्री के हैं लेकिन इनके बाद में देन नहीं आता, टू आता है, नंबर एक चीज। तो दूसरी बात, पहले मोर नहीं आता। दूसरी तरफ इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, ये वर्ड लगते ऐसे हैं जैसे कंपेरेटिव डिग्री को हो, लेकिन ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री के हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनके साथ में देन और टू कुछ भी नहीं आता, और क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री के हैं, इनके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड इनके बनाए नहीं जा सकते, ये जैसे हैं इसी रूप में काम में आते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता। नंबर तीन चलते हैं, कंपेरेटिवली और पॉजिटिवली, ये जो वर्ड दो है इन दोनों में से कोई वर्ड हो और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव काम में लेना हो अपने को, तो उसकी डिग्री कैसी रहेगी, पॉजिटिव डिग्री रहेगी। और एनएफ के बाद में भी कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। कंपेरेटिव को मैं यहां पे भी काट देता हूं और यहां पे भी काट देता हूं। उसके बाद में आता है कि प्रेफर, अगर प्रेफर वर्ड आए उसके बाद में नाउन आए और नाउन आए, दोनों के बीच में अपने को टू या देन में से किसी एक का प्रयोग करना हो तो याद रखिएगा उसमें टू का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। प्रेफर वर्ड भी लगता ऐसे है जैसे कंपेरेटिव है, काम तो तुलना के लिए ही आता है, प्रिफरेंस शो करने के लिए आता है, लेकिन आएगा टू कैसे देखते हैं। आई प्रेफर टी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। अब मुझे यहां पे दो नाउन्स दे रखी है, एक टी है एक कॉफी है, इन दो नाउन्स में से मुझे एक को प्रेफर करना है, तो मैं यहां पे टी को प्रेफर कर रहा हूं, ठीक है। हो तो इन दोनों के लिए कंपैरिजन ही है कि इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी है, कंपैरिजन के रूप में मैंने टी को प्रेफरेंस दी, तो टी के बाद मैंने टू लगाया ना कि देन, देन इसमें गलत होता है। प्रेफर और नाउन आए तो अपने को टू का प्रयोग करना है, उसके बाद में दूसरी नाउन लिखनी है, देन का प्रयोग नहीं करना है। ये पांच पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद में एक चीज और देखिएगा कि जैसे मान लो कि ये तो यहां पे प्रेफर के बाद में नाउन है, अगर यहां पर प्रेफर के बाद में नाउन के बजाय अगर यहां पे वर्ब हो, अगर यहां पे वर्ब हो तो क्या करना है, वो भी वर्ब इंफिनिटिव में हो, तो याद रखिएगा तब आपको यहां पे रदर देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, रदर देन का, ये ध्यान रखना है। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, ये कुछ वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनकी कभी भी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इन वर्ड्स के रिलेशन में आप किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं शो कर सकते, किसी से कोई भी आप सुपीरियरिटी भी शो नहीं कर सकते। कैसे, मैंने कहा ही इज डेड, वो मर गया है, डेड यहां पे एक एडजेक्टिव है। अब इसका मैं क्या कंपेरेटिव बनाऊं, इसका मैं कैसे बना सकता हूं कंपेरेटिव, मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई ज्यादा मर गया है, ज्यादा कोई कैसे मर सकता है, वो मर गया है यहां तक तो ठीक है, वो ज्यादा मर गया है, वो सबसे ज्यादा मर गया है। भाई पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव तो प्रयोग करने का यही मतलब हुआ ना, भाई कंपेरेटिव के अंदर तो मैं दो जनों की तुलना कर रहा हूं, यहां दो जने मर रहे हैं तो उनमें से ज्यादा कौन मरा, ये तो कोई सेंटेंस में बात नहीं बैठती, या पांच दस जने मर गए हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन मरा, वो भी संभव नहीं है। तो ये जैसे डेड वर्ड है, तो इस डेड वर्ड की केवल पॉजिटिव फॉर्म ही हो सकती है,
इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं हो सकती। ऐसे ही देख लो, मान लो कंप्लीट है, कंप्लीट यानी पूरा करना, माय असाइनमेंट इज कंप्लीट, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब मैं ऐसा थोड़ी कह सकता हूं माय असाइनमेंट इज मोर कंप्लीट, मेरा असाइनमेंट और पूरा हो गया, पूरा होने के बाद में और पूरा हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये जो कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव डिग्री में ही काम में ले सकते हो। इनके कंपेरेटिव नहीं बनते, इनके सुपरलेटिव नहीं बनते, इनके सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। तो आई होप ये स्पेशल जो 6 पॉइंट है ये आपको समझ में आएंगे, जो एक्सेप्शंस भी है और स्पेशल पॉइंट्स भी है। लास्ट अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वो कुछ एग्जांपल वो एग्जांपल है जिनमें जब पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनती है और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, तो जो नॉर्मल रूल्स हैं, नॉर्मल रूल्स क्या कहते हैं, कंपेरेटिव बनाने के लिए आर लगाओ, ई आर लगाओ या आई आर लगाओ, ठीक है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी लगाओ, ई एस टी लगाओ या आई ई एस टी लगाओ। तो ये जो रूल्स है, इन रूल्स से अलग, इन रूल्स से अलग कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनेगी। कई बार तो ऐसा होगा कि एकदम नया वर्ड होगा, पॉजिटिव में कुछ और वर्ड है और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कोई और वर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन वो देखते हैं। एक्सेप्शंस टू जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग डिग्रीज, पॉजिटिव से कंपेरेटिव में जाने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री में जाने के लिए कुछ जो बेसिक रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि भाई आर ई आर, आई ई आर और एस टी ई एस टी या आई ई एस टी या मोर और मोस्ट लगाओ, ऐसे आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। वो जो रूल्स हैं जनरल रूल्स, उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि भाई इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है, इसकी सुपरलेटिव क्या है, और कुछ कुछ दिन में से बहुत ही ट्रिकी है। तो अपन देख लेते हैं, गुड वेल दोनों का अर्थ अच्छा होता है, ठीक है, इनका कंपेरेटिव बेटर होता है, इनका सुपरलेटिव बेस्ट होता है। गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट के पहले टी एच ई आएगा तो उसको दी बोलेंगे, दी बेस्ट, इसलिए ऑल दी बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बैड एविल इल बुरा, ठीक है, तो बुरा के लिए आ जाएगा वर्स्ट, अधिक बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, ठीक है, कंपेरेटिव हो गई, सुपरलेटिव हो गई। अब देखो ये लेट और लेट ये काफी ट्रिकी है। लेट दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग लेट है, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग लेट है। वो आज राहुल कक्षा में लेट आया तो वहां पे ये लेट वर्ड आ गया। राहुल है वो अंकित से लेट आया, इसका मतलब वो अंकित के बाद में आया, ठीक है, तो वहां पे लेटर। मैं भी बात टाइम ही कर रहा हूं, टाइम के हिसाब से लेट। और राहुल कक्षा में सबसे बाद में आया, सबसे लेट आया, जो सबसे लेट आता है वो सबसे नया होता है, जो सबसे लेट आता है वो सबसे नया होता है। बाजार में 5 महीने में 5 फोन आए, 5 मोबाइल फोन आए, उनमें जो सबसे लेट आएगा वो सबसे नया होगा। बात समझ में आ रही है, वो टाइम के अकॉर्डिंग है कि भाई लेट और ज्यादा लेट मतलब बाद में, और सबसे लेट मतलब लेटेस्ट, ये तो होता है टाइम के अकॉर्डिंग। पोजीशन के अकॉर्डिंग भी लेट होता है, ठीक है, 4 जने 3 जने खड़े हैं जो भी हो, उनमें से आगे आगे जो खड़ा है वो लेट है, उसके बाद में जो खड़ा है वो लेटर है, उसके बाद में, ठीक है, और उसके भी बाद में जो है वो लास्ट हो गए, वो एंड के हो गए। तो अगर आपसे पूछ ले कि लेट, इसका आप सुपरलेटिव बताओ, कंपेरेटिव तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टाइम शो करने वाला हो, चाहे प्लेस और पोजीशन और ऑर्डर शो करने वाला हो, कंपेरेटिव तो दोनों में ही लेटर है। लेकिन अगर बात सुपरलेटिव की करें तो टाइम में तो लेट का होता है लेटेस्ट, और पोजीशन ऑर्डर के हिसाब से होता है लास्ट। तो सोच समझ के अपने को जवाब
देना है। ऐसे ही फार, फार मतलब दूर, ठीक है, एक तो दूर स्थान के हिसाब से, और एक फार का प्रयोग टाइम शो करने के लिए भी किया जाता है। अगर इसका स्थान के हिसाब से दूर किया जाए तो फार दूर, फार्दर, और ज्यादा दूर फार्देस्ट, सबसे ज्यादा दूर, सबसे दूर। जबकि अगर उसको टाइम के अकॉर्डिंग लिया जाए तो फार, फार के बाद में फर्दर, मतलब इस टाइम के बाद वाला टाइम, आगे का टाइम, और फर्देस्ट सबसे आगे का टाइम। ये क्लियर है? इसके बाद में लिटिल, लिटिल में कंपेरेटिव होता लेस, लिटिल मतलब थोड़ा, कंपेरेटिव लेस मतलब कम, जो थोड़ा होता है वो वैसे भी कम होता है, कंपेरेटिव लेस और कम, और इसका सुपरलेटिव लिस्ट, सबसे कम, कम से कम, तभी कहते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो ये वर्ड है। इसके बाद में मच, मच का कंपेरेटिव मोर होता है, सुपरलेटिव मोस्ट होता है। मेनी, मेनी का भी कंपेरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। मच क्वांटिटी के लिए आता है, मेनी नंबर्स के लिए आता है। मच काउंटेबल नाउन के लिए आता है और मेनी, सॉरी, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है और मेनी काउंटेबल के लिए आता है, ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए। और लास्ट में ओल्ड, ओल्ड के दो अर्थ होते हैं, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। जब हम ओल्ड का मतलब पुराना यूज करते हैं, ओल्ड का प्रयोग जब हम पुराना शो करने के लिए करते हैं, तो सीधी सी बात है, हम किसी वस्तु की ही बात कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरे घर में जो सबसे ओल्ड है वो सबसे पुराने नहीं कह सकता। मान लो एक परिवार है जिसमें दादाजी सबसे बूढ़े हैं, सबसे ओल्ड है, अंग्रेजी में ओल्ड बोलते हो तब तक तो चलता है, लेकिन उसका हिंदी वर्जन आप उनको नहीं कह सकते कि मेरे दादाजी सबसे पुराने हैं घर में, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ओल्ड अगर वस्तु को शो करे, ओल्ड अगर आप किसी वस्तु के लिए काम में लेना चाहते हो कि ये वस्तु पुरानी है, इतनी पुरानी है, तो ज्यादा पुरानी वस्तु के लिए ओल्डर काम में लेना है, और उससे भी ज्यादा पुरानी वस्तु के लिए, सबसे पुरानी वस्तु के लिए ओल्डेस्ट काम में लेना है। और यही कंपैरिजन अगर आपको एज के रिगार्डिंग करना है, उम्र के रिगार्डिंग करना है, तो वो बूढ़ा है, वो उससे ज्यादा बूढ़ा है, मतलब एल्डर है, इसीलिए एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर ऐसे आता है। और जो सबसे उम्र में बड़ा है, सबसे बूढ़ा है, उसके लिए आता है एल्डेस्ट। तो ये हमारा जो ये कुछ जो अपने एग्जांपल्स हैं, ये एक्सेप्शंस हैं जो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो कुल मिला के ये बात हुई हमारे डिग्रीज की, तीन प्रकार की डिग्रीज है, ये हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये जो टॉपिक है, वैसे तो एडजेक्टिव वाले टॉपिक के साथ पढ़ाना चाहिए था मुझे, लेकिन वो टॉपिक कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने एडजेक्टिव अलग से पढ़ाए हैं और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन अलग से पढ़ाए हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव के समान ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से। मेरे हिसाब से ये पढ़ने के बाद में आपको डिग्री के रिगार्डिंग कोई विशेष कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और इसी तरह के बहुत ही जो नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स, लेक्चर्स और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे, ये जो वीडियोज है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।